तो देखिए 17 साल बाद दूसरी बार टीम इंडिया ने T20 का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम को 7 रन से हराकर टीम इंडिया ने T20 का खिताब जीत लिया। जश्न की ये तस्वीरें सुनहरे इतिहास में दर्ज हो गई। 13 साल बाद भारत ICC के किसी भी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में चैंपियन बना। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया। मैच की शुरुआत में भारत का टॉप ऑर्डर फेल हुआ तो कमान विराट कोहली ने संभाली। विराट कोहली ने 59 गेंदों में 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 76 रन बनाए और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। विराट कोहली के साथ दूसरे छोर पर अक्षर पटेल ने 31 गेंदों में 1 चौके और 4 छक्कों की मदद से 47 रन जड़े। भारत ने 20 ओवर में साउथ अफ्रीका के सामने 177 रन का टारगेट रखा। स्कोर का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम 20 ओवर में 169 रन ही बना पाई और भारत ने 2007 के बाद दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। तो देखिए T20 की ट्रॉफी जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों से फोन पर बात की है। इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी टीम को बधाई दी, वहीं राहुल गांधी ने भी इस जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई दी है। पीएम मोदी ने फोन कर T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों से बात की। पीएम ने रोहित शर्मा को उनकी शानदार कप्तानी के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने फाइनल में विराट कोहली की शानदार पारी के लिए उनकी सराहना की। पीएम ने शानदार योगदान के लिए टीम के कोच राहुल द्रविड़ का भी आभार जताया। इससे पहले टीम की जीत के तुरंत बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टीम को बधाई दी थी। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी फोन पर टीम के खिलाड़ियों से बात की और उन्हें जीत की बधाई दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पोस्ट में कहा कि 17 साल बाद फिर T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को ढेर सारी बधाइयां। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में टीम इंडिया को बधाई दी और टीम के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की। तो T20 का फाइनल मुकाबला जीतने के बाद आधी रात से ही पूरे देश भर में जश्न का माहौल देखा गया। आधी रात को ही लोग सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाते हुए नजर आए। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत के साथ ही देश में जश्न शुरू हो गया। जैसे ही टीम इंडिया ने मैच जीता, लोग सड़क पर जश्न मनाने के लिए उतर आए। मुंबई में लोगों ने सड़क पर उतर कर अपनी खुशी का इजहार किया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इंडिया जीत गई है। विराट कोहली ने आज अपनी क्लास दिखा दी। रोहित शर्मा रोक। जश्न मनाने में दिल्ली भी पीछे नहीं रही। दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने की खुशी का जश्न दिल्ली वालों ने भी जमकर मनाया। कोलकाता में भी टीम इंडिया की जीत का जोरदार जश्न मनाया गया। यहाँ क्रिकेट को लेकर लोगों की दीवानगी सड़क पर दिखाई दी। भोपाल में भी जीत का जश्न मनाने आधी रात को लोग सड़क पर उतर आए। ढोल की थाप और देशभक्ति के गानों पर लोग झूमते गाते दिखाई दिए। इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने लोगों के साथ मिलकर जीत का जश्न मनाया तो वहीं वाराणसी में भी जीत का खुमार छाया हुआ है। तो देखिए T20 का मुकाबला जीतने के बाद प्लेयर ऑफ द फाइनल यानी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खिताबी जीत के बाद देश जश्न में डूबा था, लेकिन उसी वक्त विराट कोहली ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। फाइनल के हीरो रहे विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। विराट कोहली ने कहा, ये मेरा आखिरी T20 मुकाबला था, ये वही था जो हम हासिल करना चाहते थे। एक दिन आपको लगता है कि आप रन नहीं बना सकते और ऐसा हो जाता है, बस मौका था अब या कभी जैसी स्थिति। ये भारत के लिए मेरा आखिरी T20 था, हम उस कप को उठाना चाहते थे। बहुत अच्छे नोट पे उन्होंने छोड़ा है। देखिए, आप वर्ल्ड कप जीते हैं, आप उस फाइनल गेम आना तो मैच है, इससे ज्यादा आप हाई और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रोहित शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये उनका आखिरी इंटरनेशनल T20 मैच था और इस फॉर्मेट को अलविदा कहने का इससे अच्छा पल और नहीं हो सकता।
I thought it is the perfect situation for me and nothing better than winning the cup and saying goodbye. तो देखिए फाइनल मुकाबला जीतने के बाद टीम इंडिया को पूरे देश भर से बधाई मिल रही है। वहीं रोहित शर्मा के जो कोच है दिनेश लाल, उनके तरफ से भी बधाई दी गई और ये कहा गया कि ये उनके शिष्य की तरफ से सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली टीम इंडिया के कोच रहे राहुल द्रविड़ ने कहा कि ये क्षण उनके जीवन के सबसे बेहतरीन पल में शामिल है। You know, this bunch of boys made it possible for me to be able to win this trophy, and it's a great, nice feeling. But it's not, doesn't feel. कप्तान रोहित शर्मा के कोच रहे दिनेश लाड ने कहा कि ये उनके शिष्य की ओर से उन्हें दी गई सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। बहुत ही गर्व लग रहा है क्योंकि जिस बच्चे को मैंने 12 साल का तभी देखा था, उसके हाथ में वर्ल्ड कप देख रहा है, एज एन कैप्टन उसके हाथ में वर्ल्ड कप देख, बहुत ही खुशी हुई। आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी में आज बन गया, ऐसा मुझे लग रहा है। सूर्य कुमार यादव के कोच अशोक असवलकर ने टीम इंडिया को जीत के लिए बधाई दी कि वो कैच नहीं, वर्ल्ड कप हमारे हाथ में आ गया और पूरा टीम का ही एफर्ट था, लेकिन वो कैच ने हमारे लिए वर्ल्ड कप लेके आया और उससे बड़ा मोमेंट किसी के लिए भी नहीं है और सूर्य के लिए तो वो खास मोमेंट रहेगा। तो देखिए विराट कोहली की टी20 फॉर्मेट से संन्यास के ऐलान के बाद जो उनके फैंस हैं वो थोड़े से नाखुश जरूर है, मायूस जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बिहार के लोगों ने एबीपी न्यूज से विराट कोहली के बचपन के किस्से शेयर किए हैं। टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत में जश्न का माहौल और तस्वीरें जो है बहुत खूबसूरत देश भर से आ रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं विराट कोहली की उस सोसाइटी में जहां पर विराट कोहली रहा करते थे अब से कुछ साल पहले। हालांकि अभी उनका परिवार जो है यहां से शिफ्ट हो गया, लेकिन ये सब लोग जो है ये उनके पुराने पड़ोसी हैं। और कल का मैच देखने के बाद क्या रिएक्शन है इन सब लोगों के, एक एक करके बात करते। बार बार लगता था कि शायद मैच अपने हाथ में नहीं है, लेकिन फिर एक बार कमबैक हुआ तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। आप लोगों को क्या इंटरेस्टिंग लगा? हर बॉल पे जो एक्साइटमेंट थी वो डिफरेंट थी, जितनी डिफरेंट थी अभी इधर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हार्ट बीट इतनी ज्यादा बड़ी होती कि बीपी की गोली खानी पड़ी। कल जब ट्रॉफी उठाते हुए देखा अपने फेवरेट प्लेयर्स को, टीम इंडिया को, तो कैसा जोश, कैसा जज्बा, कितना बहुत ही गर्व महसूस हुआ। हम बहुत ही समय से इंतजार कर रहे थे कि हमारी शर्ट पे ये 3 सितारे हैं और चौथा कब लगेगा, तो ये आज चौथा सितारा भी हमारा यहाँ पे लग चुका है। हमारा चौथा सितारा हमारी इंडिया की टी शर्ट में अब लग चुका है और अब सबकी टी शर्टें अपडेट होने वाली है। तो देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के ऐलान ने जो लोग हैं, जो फैंस हैं, उन्हें थोड़ा सा मायूस जरूर किया है, लेकिन लोगों को ये उम्मीद है कि जो इंडिया का प्रदर्शन है वो इसी तरीके से जारी रहेगा और साथ ही साथ फाइनल में जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस रहा, जसप्रीत बुमराह का परफॉर्मेंस रहा, उसे लेकर जो लोग हैं वो काफी खुश नजर आए। 17 साल के बाद वो लम्हा जिसका इंतजार हर भारतीय कर रहा था, भारत के हाथों में 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, ये वो पल था जिसका इंतजार ना जाने कितने वक्त से कितने नम आंखों के साथ सब कर रहे थे, जिसके बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने अपना रिटायरमेंट भी टी20 से दे दिया, जिसके बाद और लोगों के अंदर खुशी भी है, गम भी है, क्योंकि ये रोहित और विराट दोनों का आखिरी टी20 था। खैर ट्रॉफी हमारे पास है, ट्रॉफी भारत के पास है। साउथ अफ्रीका के विरुद्ध ये मैच था वेस्ट इंडीज़ में जिसमें भारत ने अपनी जीत दर्ज की है। हार्दिक पांड्या की बॉलिंग को लेकर क्या कहेंगे? मैम बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और मैम सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छी कैच ली है। कौन सा कैच? मैम डेविड मिलर का। सबसे अच्छा क्या रहा? मैम सबसे अच्छा जो विराट कोहली की बैटिंग थी मैम, वो हमें मुझे सबसे अच्छी लगी। अच्छा आपको विराट की बैटिंग अच्छी लगी, सूर्य कुमार की कैच, हार्दिक की बॉलिंग? यस मैम, हार्दिक की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, मैम सूर्य कुमार का कैच ही बहुत अच्छा था, बाउंड्री से निकल कर वापस कैच कर। तो तीसरी बार सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो पर अपने मन की बात की और साथ ही साथ देशवासियों से अपनी मां के नाम एक पेड़ लगाने की भी अपील की है। चुनाव में जीत के बाद आज पहली बार पीएम मोदी ने रेडियो पर मन की बात की। प्रोग्राम की शुरुआत में पीएम ने कहा कि 4 महीने बाद आज फिर परिवारजनों के बीच हूँ। पीएम मोदी ने मन की बात के 111वें एपिसोड में विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू किए गए विशेष अभियान का जिक्र किया और लोगों से एक पेड़ मां के नाम लगाने की अपील की। विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। पिछले एक दशक में भारत में सबके प्रयास से वन क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है।
अमृत महोत्सव के दौरान देश भर में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर भी बनाए गए हैं। अब हमें ऐसे ही माँ के नाम पर पैड लगाने के अभियान को गति देनी है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को हुल दिवस की बधाई भी दी है। इसी के साथ साथ पेरिस ओलंपिक में जो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं उन्हें भी बधाई दी और साथ ही साथ देशवासियों से इन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने को कहा है। 30 जून को आदिवासी समाज हुल दिवस मनाता है। पीएम ने लोगों को हुल दिवस की बधाई दी। आज 30 जून का यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन को हमारे आदिवासी भाई बहन हुल दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन वीर सिद्धो कानू के अदम्य साहस से जुड़ा है, जिन्होंने विदेशी शासकों के अत्याचार का पुरजोर विरोध किया था। पीएम ने पेरिस ओलंपिक में शामिल हो रहे भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। पीएम ने लोगों से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की भी अपील की। अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके होंगे। मैं भारतीय दल को ओलंपिक खेलों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सबके मन में टोक्यो ओलंपिक की यादें अब भी ताजा है। हमारे एथलीट्स पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जी जान से जुटे हुए थे। तो देखिए, मानसून की पहली बारिश के चलते देश के कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पहाड़ों में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते उत्तराखंड में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। गंगा में ताज की तरह गाड़ियां बह रही है। सड़क पर रफ्तार भरने वाली भारी भरकम गाड़ियां पानी में बह गई। ये तस्वीरें हरिद्वार से आई है। पहाड़ पर हुई बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है। पहाड़ पर बादल बरसे तो गंगा का जलस्तर बढ़ गया। इसका असर मैदानी इलाकों में दिखा। हरिद्वार के कोतवाली इलाके में शमशान घाट के पास खड़ी गाड़ियां गंगा में बह गई। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि इससे पहले कोई संभलता गाड़ियां पानी में तैरने लगी। कल अचानक से तेज आई बाढ़ ने जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की मशक्कत और मुश्किलें जो है वो जरूर बढ़ा दी हैं। और फिलहाल अभी भी गंगा जो है वो अपने उफान पर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। भारी बारिश के बाद हरिद्वार के बेल इलाके में के सुरेश्वरी देवी मंदिर के पास बरसाती नदी उफानने लगी। नदी में उफान के कारण सुरेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन करने गए श्रद्धालु फंस गए। इन श्रद्धालुओं को पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड में अगले कुछ दिन भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने 5 जुलाई तक उत्तराखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो देखिए, लगातार हो रही बारिश के चलते देश के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और इसके चलते जो लोग हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद राजकोट की सड़कों पर पानी भर गया। सड़क पर पानी भरने से लोगों को खासा परेशानी हुई। सौराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर राजकोट में पानी के निकाल की जो नगर पालिका है, महानगर पालिका है, उसने निकाल की कोई व्यवस्था न होने के कारण अभी लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। गुजरात से वलसाड़ में भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण वलसाड़ के कई इलाके पानी पानी हो गए। गुजरात के द्वारका में भी भारी बारिश हो रही है। बारिश के बाद हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया और गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए हापुड़ में प्रशासन एक्टिव है। बारिश के बाद मुरादाबाद के कई इलाकों में पानी भर गया। लोग नाव के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई दिए। बारिश के बाद मथुरा में सड़कों पर पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से भारी जाम लगा, इससे लोगों को परेशानी हुई। इधर असम के डिब्रूगढ़ में भी लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। यहां बारिश का पानी सीआरपीएफ कैंप में घुस गया। भारी बारिश के बाद बिहार के नवादा के ककोलत जलप्रपात में पानी का लेवल बढ़ गया। कुंड में पहाड़ के ऊपर से तेज रफ्तार से पानी गिरना शुरू हो गया। तो देखिये, मौसम विभाग ने अगले 5 दिन देश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है, चेतावनी इसके लिए जारी की है। इसके साथ ही उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 5 दिन भारी पड़ सकते हैं। अभी बारिश की शुरुआत हुई है, लेकिन कई राज्यों में हालात बिगड़ने लगे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिन उत्तर भारत में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 3 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग जगहों पर बारिश हो सकती है। नॉर्थ इंडिया में अभी बारिश धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है। इसके साथ आपका अति भारी वर्षा का भी रिपोर्ट आ रहा है और आगे भी होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी राज्यों में ऑरेंज अलर्ट के साथ अति भारी वर्षा का फोरकास्ट जारी किए हैं।
साथ ही साथ ईस्ट राजस्थान में भी अति भारी वर्षा यानी 20 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वी उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। इससे अगले 2 से 3 दिन में पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब के अधिकांश हिस्सों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। तो देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच शरद पवार ने सीएम पद को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। शरद पवार ने कहा है कि सामूहिक नेतृत्व ही एमवीए का सीएम चेहरा है। महाराष्ट्र में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद महाअघाड़ी के नेता विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। एमवीए में अभी से सीएम के चेहरे को लेकर चर्चा हो रही है। उद्धव गुट के नेता पिछले फॉर्मूले के मुताबिक उद्धव ठाकरे को सीएम का चेहरा बता रहे हैं। वहीं शरद पवार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन ही सामूहिक चेहरा होना चाहिए। उद्धव ठाकरे के चेहरे पर महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा में वोट मांगे हैं, लोगों ने वोट दिए है ना, चेहरे पे तो वोट मिलता ही है। महाविकास आघाड़ी की जल्दी बैठक हो जाएगी, हम तीनों एक साथ बैठेंगे। कोई भी चेहरा ले लो आप जिसके ऊपर लोग अपना वोट देंगे। संजय राउत ने कहा था कि उद्धव ठाकरे ने बतौर सीएम बेहद लोकप्रिय थे, लिहाजा गठबंधन को चाहिए कि वो उद्धव को ही सीएम पद का चेहरा घोषित करे। शरद पवार की पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि चुनाव में किसी भी नेता को सीएम का चेहरा नहीं घोषित किया जाना चाहिए। सीएम के चेहरे पर मतभेद के बीच शरद पवार ने महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन का दायरा बढ़ाने की भी बात कही है। पवार ने लेफ्ट और बीजेपी विरोधी दूसरी पार्टियों से भी एमवीए में शामिल होने को कहा है। तो देखिए, बिहार में 11 दिन में 5 पुल गिर चुके हैं और इन हादसों के बीच में जो नीतीश सरकार है वो विपक्ष के निशाने पर है। और इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि इन हादसों के पीछे साजिश हो सकती है। बिहार में 11 दिन में 5 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। करोड़ों की लागत से बने इन पुलों को गिराने से बिहार की सियासत में सवाल उठ रहे हैं। लगातार हो रहे इन हादसों के पीछे अब साजिश की आशंका जताई जा रही है। गया पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि आखिर 11 दिन में कैसे 5 पुल ध्वस्त हो गए। मांझी ने कहा कि सूबे में एक महीने पहले सब कुछ ठीक था, फिर चंद दिनों से ही ये हादसे क्यों हो रहे हैं। मांझी ने इन हादसों के पीछे साजिश की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। आज से 15 दिन पहले या एक महीना पहले पुल क्यों नहीं गिरा था, या अभी क्यों गिर रहा है, इसमें कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि कोई साजिश तो नहीं है कि जानबूझकर के लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह की बात करते हैं। और 2 महीना पहले ऐसा पुल गिरने का लगातार आपने उदाहरण देखा था, एक आध पुल कभी गिरा था, ऊपर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन लगातार पुल गिर रहा है। बिहार में हो रहे इन हादसों को लेकर विपक्षी पार्टियां नीतीश सरकार को घेर रही है। विपक्ष निर्माण में करप्शन का आरोप लगाकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब जीतन राम मांझी ने साजिश की आशंका जताकर इस मामले को नया ट्विस्ट दे दिया है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने चाचा पशुपति पारस से किसी भी समझौते को लेकर साफ इनकार कर दिया है। लोकसभा चुनाव में अपने कोटे की सभी 5 सीटें जीतने वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का पटना में जोरदार स्वागत हुआ। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे चिराग पासवान ने पहले पार्टी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। फिर चिराग ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी से गद्दारी की थी उनसे कोई समझौता नहीं होगा। कई लोगों को अपने ऊपर घमंड था, जब उन लोगों ने पार्टी के 5 सांसदों को तोड़ने का काम किया तब भी उनको घमंड था कि उनको कोई नहीं हरा सकता। आज उनके 0 सांसद है और हमारे 5 के 5 सांसद। पशुपति पारस के नेतृत्व में 2021 में एलजेपी के 5 सांसदों ने बगावत की थी, तब पार्टी 2 गुटों में बढ़ गई थी। पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बने थे, लेकिन 2024 चुनाव में एनडीए में शामिल पशुपति पारस को कोई सीट नहीं मिली थी। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी को सीट शेयरिंग में 5 सीटें मिली और पार्टी ने सभी 5 सीटों पर जीत दर्ज की। तो देखिए, नीट पेपर लीक को लेकर सीबीआई का एक्शन लगातार जारी है। गुजरात से लेकर झारखंड तक पेपर लीक के जितने भी संदिग्ध हैं सीबीआई उनके खिलाफ एक्शन कर रही है। नीट पेपर लीक के संदिग्धों की तलाश में सीबीआई की टीम ने गुजरात के आनंद खेड़ा, अहमदाबाद और गोधरा में संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की। सबूत की तलाश में सीबीआई की टीम गोधरा के जय जलाराम स्कूल भी पहुंची। स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, शिक्षक तुषार भट्ट और बिचौलिया विभोर आनंद और आरिफ वोरा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
सीबीआई को शक है कि इन आरोपियों के तार दूसरे राज्यों में सक्रिय नीट पेपर लीक गैंग से जुड़े हुए थे। इसी बीच सीबीआई की टीम ने झारखंड में पत्रकार जमालुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया है। जमालुद्दीन पर पेपर लीक में गिरफ्तार ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम की मदद करने का आरोप है। नीट परीक्षा में धांधली के मामले में सीबीआई ने 6 एफआईआर दर्ज की है। बिहार में दर्ज एफआईआर पेपर लीक से जुड़ी है, जबकि गुजरात और राजस्थान में दर्ज एफआईआर परीक्षा में धांधली से जुड़ी है। सीबीआई गुजरात, राजस्थान, बिहार, दिल्ली और झारखंड में नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों की जांच कर रही है। तो देखिए, नीट पेपर लीक केस की जांच और इस मुद्दे पर संसद में बहस को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में विपक्ष लगातार नीट पर चर्चा की मांग कर रहा है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में इस मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर चुका है। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ये मुद्दा देश के लाखों छात्रों से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। हमारे नेता ने बात उठानी चाहिए हमारे बच्चों के भविष्य की, नीट एग्जाम। दुख की बात है कि नेता प्रतिपक्ष को वेल में आना पड़ा मजबूरन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नीट पर विपक्ष के हंगामे को लेकर सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है। केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ इस मुद्दे को लेकर भ्रम फैला रही है। कांग्रेस पार्टी के मूल उद्देश्य नहीं है विद्यार्थियों के हित साधित हो, उनको अपना राजनीतिक रोटी सेकनी है। शुक्रवार को विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों ही सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। विपक्ष लगातार नीट पर चर्चा और पेपर रद्द करने की मांग कर रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि मामले की जांच चल